दोस्तों ये लड़का इस लड़की को रुमाल में बेहोशी की दवा मिलाकर बेहोश कर देता है और फिर इस लड़की को कमरे में ले जाकर ऐसे लेटा देता है और उसे छूने लगता है और तभी आदमी अपनी पैंट नीचे करने लगता है। और जैसे ही आदमी अपनी पैंट नीचे करता है तभी बाहर कोई आ जाता है और फिर ये आदमी अपनी पैंट को सही करता है और दोबारा से रुमाल में बेहोशी की दवाई ऐसे मिलाने लगता है और दोबारा से इस लड़की को रुमाल सुंघा देता है। और यहाँ ये लड़की बाहर अपनी बहन को आवाज लगा रही होती है तभी ये लड़का बाहर आता है और इस लड़की को गंदी नजरों से पीछे से देखने लगता है और फिर इस लड़की के पास जाता है और बोलता है क्या हुआ। तभी ये लड़की इसे बोलती है मेरी बहन यहाँ पे गाड़ी ठीक करवाने आई थी। तभी आदमी बोलता है ठीक है मैं देखता हूँ और अंदर चला जाता है। और थोड़ी देर बाद ये लड़का बाहर आता है और इस लड़की के मुंह पर भी रुमाल लगाकर लड़की को बेहोश कर देता है और फिर इस लड़की को एक कमरे में लेकर चला जाता है। और थोड़ी देर बाद इस लड़की को होश आता है और तभी ये लड़का इस लड़की के पास जाता है और इसे छूने लगता है। लेकिन ये लड़की इस लड़की के मुंह में थूक देती है और तभी अचानक यहाँ बाहर ये आदमी आ जाता है और यहाँ पर आकर इस लड़की को आवाज देने लगता है। और तभी अंदर से एक लड़का बाहर आता है और बोलता है यहाँ पे कोई लड़की नहीं है। दोस्तों अब ये दोनों लड़के इन दोनों लड़कियों के साथ जो करने वाले हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर से लिखें।